ये देखिए, एक गोली भाई बनकर तैयार हो गई है। और तीसरे भाग में मैं आपको एक ऐसा आइटम बताऊंगा जिससे कि आपके कबूतर के शरीर में जान आ जाएंगी। कितने दिन में? सिर्फ 5 से 6 दिन में कबूतर में जान आ जाएंगी, कबूतर की उड़ान बढ़ जाएंगी, कबूतर ताकतवर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताने वाला हूँ भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पहले नंबर पे बादाम लेना है, बादाम आपने देख लिया भाई। और देखते जाइए, दूसरे नंबर पे बड़ी मुनक्का, खसखस और बादाम, और भाई अखरोट, ये देख लीजिए अखरोट भाई, ये लेके आना। आपको एक आता है खुला हुआ अखरोट, वो नहीं लेके आना है, पैक वाले लेके आना है। और भाई आपको लेके आना है पिस्ता, देख लो भाई, ये पिस्ता आपको लेके आना है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आइटम आपको लेके आना है। और मैं आपको एक ऐसी खुराक बताऊंगा जिससे कि कबूतर की काफ़ी हद तक की उड़ान बढ़ जाएंगी। मैं आपको पहले फ़ायदा बताया था, फिर आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। आप जैसे सोच रहे होंगे, अखरोट कभी आपको मालूम है अखरोट क्या काम करता है? अखरोट दिमाग को तेज़ करता है। जैसे क्या होता है, जब हमारे उड़ान वाले कबूतर को जब खेल पानी लगाते हैं ना, तो उस वक्त कबूतर का जो माइंड वो हिल जाता है। ठीक है, जब अच्छा खेल लगने के बाद कबूतर या लंबा लंबा निकल जाता है, या भाग जाता है, या रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो है ना अखरोट, उस कबूतर को माइंड को तेज करेंगे। तेज करने के बाद कबूतर आपका कैसे भी खेल लगा दो भाई, ठीक है ना, ये माइंड तेज करती लगे। तो आप गूगल पे रिसर्च करके देख सकते हो कि अखरोट के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप भाई समझ जाओगे। कबूतर आपका रॉन्ग नहीं होगा, फिर कबूतर सही जगह पे आके बैठता है। तो अखरोट जहाँ तक कि आप इस्तेमाल करें, काजू भी इस्तेमाल करें, बादाम, पिस्ता और बड़ी मुनक्का हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी गोली बने और ये हल्की सी गर्म होती है भाई। तो आपको ये बड़ी मुनक्का भी लेना है और खसखस भी लेना है, खसखस, ठीक है। अब इन्हीं का मैं आपको खेल बताने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 10 कबूतरों का। आप कम बना रहे हो तो कम बना लेना, ज़्यादा लेना है तो आपके हिसाब से घटा बढ़ा लेना। बाकी मैं आपको 10 कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप ले लो 10 बादाम। 10 बादाम लेने के बाद में आप पानी में भिगो के रख दो। क्या करना है, जैसे कि आपने पानी में भिगो के रख दिए ना, तो बादाम के भाई पूरे छिलके आपको निकाल लेना है। जैसे मैं आपको छिलके बता रहा हूँ, ये दो, ये निकाल दो। कबूतर को खुराक देना ज़रूरी है। कभी आप कबूतर को ये खुराक नहीं देंगे ना, तो आपका भाई वो कबूतर कमज़ोर हो जाएगा। जब आप खेल पानी लगाओगे ना, तो कबूतर पूरा खाली हो जाएगा, वो तो कहीं भी कोने पे जाएगा, गिर जाएगा, वो जान ही नहीं देंगी। तो ये आइटम कबूतर के शरीर में जान भी डालेगा और कबूतर का दिमाग तेज भी करेगा। तो मैं पहले भाई बादाम को छिलके उतार लेता हूँ, फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ भाई। दोस्तों ये देखिए, हमने बादाम के भाई पूरे छिलके उतार दिए। तो आपको क्या करना है, बादाम को रात भर पानी में पहले भिगो देना। 10 बादाम रात भर भिगोने के बाद, जैसे आप ये इसको सुबह छिलके उतारेंगे ना, तो आराम से भाई छिलके निकल जाएंगे। तो 10 कबूतर के हिसाब से हम ले लेते हैं 10 बादाम। 10 बादाम हमने इसमें डाल दी है। अब दूसरे नंबर पे आपको 10 कबूतर के हिसाब से ना, 10 बादाम के हिसाब से आपको लेना है ये 4 पिस्ते ले लो आप। 4 पिस्ते हमने इसमें डाल दिए। और आपको लेना है 1 काजू इसमें डाल दीजिए। ये हम अखरोट को भी फिर निकाल लेते भाई, दो टाइप से ये अखरोट जो आता ना, पूरे इस टाइप से आता है कि एक दिमाग है, आप समझ सकते हो, ये इंसान का दिमाग जो होता ना, ये ऐसा होता है, देख लीजिए आप, ठीक है भाई, जो इंसान का दिमाग ऐसा होता है। ये खेत टूट गया है, नहीं तो सही साइड आपको दिखता है। ये दिखा दिए, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आप कभी इसे गूगल पे रिसर्च करोगे ना, तो आप खुद बोलेंगे, यार वाकई में वसीम भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंसानी का दिमाग भी इस टाइप से होता है। तो अपने कबूतर का दिमाग भी भाई ऐसे होता है। तो ठीक है, ये हमने अखरोट निकाल लिया है। अखरोट का हम लेंगे आधा टुकड़ा, अखरोट का हमने आधा टुकड़ा भाई इसमें डाल दिया। डालने के बाद में अब हम इसमें लेंगे ये 5 बड़ी मुनक्का। अब बड़ी मुनक्का के आपको बीज निकाल लेना है। इसमें इस टाइप से भाई बीज आएंगे, है ना, तो बीज को हम ये हटा देते, बीज नहीं है इसके अंदर, हम बीज को डाल देंगे। तो आपके पास हमाम दस्ता हो या सिल बत्ता हो, उस पर आपको ये मिक्स करना है ना। फिर पहले हम ये निकाल लेते हैं। और भाई मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल करें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे, तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मैं अब उड़ान को लेते हुए भाई वीडियो बनाने वाला हूँ। और सिर्फ जैसे कि आपने खुराक देने स्टार्ट करें ना, तो कबूतर के शरीर में 5 से 6 दिन में जान आ जाएंगी।
कबूतर की उड़ान भी बढ़ेंगी और कबूतर अपना फिट भी रहेगा। और कबूतर की उड़ान बढ़ने के बावजूद कैसा भी खेल लगा दो आप, कबूतर आपकी जगह पे आके बैठेगा भाई। इसका ये फ़ायदा है भाई, ये एक चुटकी लेना है आपको, ये खसखस की, ठीक है, इसमें डाल देना। आपको मुहिम करेंगे, इसका हलवा बनाएंगे, तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत ही आसानी से ये भाई इसमें मुहिम हो रहा है। आप भाई मेरे चैनल पे बने रहिए आप, और भाई वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। भैया आपको बारीक एकदम मुहिम करना है ताकि सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए और ये हलवा टाइप बन जाए। देखिए ये हलवा बन के तैयार हो चुका है लगभग, इसको आपको दिख रहा हूँ मैं, इसमें पूरा मिक्स हो चुका है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको जहाँ तक कोशिश ये करें भाई, चोकर वाला हमाम दस्ता आता है, सिलबत्ता बोलते हैं, उसमें खुराक काफ़ी अच्छी बनती है। ये तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ बना के, कि भैया खुराक किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आप भाइयों की आ रही है कि वैसे भाई हमारे कबूतरों की उड़ान है, हम खुराक क्या दे क्या दे क्या दे। तो ये मैं आप भाइयों को एक वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप खुराक इस तरीके से बनाइए और ये खुराक के भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि भाई क्या है, गोली बनना चाहिए। ये देखो, ये वही इनमें तेल भी छोड़ दिया भाई, ठीक है ना, ये देखो दिख रहा है आप, ये छोड़ना चाहिए इसके अंदर जब ये खुराक बन के तैयार होती है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 10 गोली बनाएंगे, क्योंकि हमारे 10 कबूतर तैयार हो रहे हैं। ये एक गोली तो बन के तैयार हो चुकी है भाई, तो हम ये एक गोली को यहाँ रख देते हैं, एकदम आसानी हो। ये देखा, अब हम सभी को मिक्स कर लेते पहले ना। ये उड़ान वाले कबूतरों को ये खुराक भाई दी जाती है ताकि हमारे कबूतर कमज़ोर नहीं हो। कबूतर कितना भी उड़ के आ जाए, कबूतर कबूतर है ना भाई, कमज़ोर हो जाता है, आप कभी खुराक नहीं लगाओगे। ये देखिए एक गोली भाई बनकर तैयार हो गई है, हम भाई 10 गोली बना लेते हैं। और भाई इसी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसमें हम आपको और उड़ान को लेते हुए नुस्खेबाजी हम शेयर करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से गोली बहुत ही आसानी से बन गई है भाई। ये देखो ये पूरा तेल छूट गया भैया, है ना, ये इस टाइप से पूरा काम हो जाएगा भाई। तो दे दो वो जो सबसे आखिरी में उड़ के आ रहा है, ज़्यादा उड़ान करके आया भाई, 4-5-6 घंटे उड़ के आया, तो उसको 2 गोली फंसा दो। वो जो कबूतर 2-3 घंटे 3.5 घंटे उड़ के आया ना, तो उसको एक गोली दो। जब वो 2.5-3 घंटे वाले को आप एक गोली देंगे ना, तो इंशाल्लाह कल वो और टाइमिंग बढ़ाएगा। जब वो टाइमिंग बढ़ाएगा तो उसको 2 गोली दे दो, है ना। तो ये खुराक जो मैंने आपको मेरे अंदाज से आपको बताया हूँ 10 कबूतर का, तो आप है ना 20 कबूतर खुराक बनाओ, 15 कबूतर खुराक बनाओ, और ये अभी खुराक ख़राब भी नहीं होती है। आप इसको एक महीने तक भी एक कोने पे रख देंगे ना, तो खुराक जैसी की उसी रहेंगी। तो आप ये मेरे हिसाब से ये काम करना, ज़्यादा उड़ान वाले को 2 दे दो, वो ज़्यादा उड़ान वाला उड़ के आए उसको 3 दे दो, ऐसा सेट करो। तो ये तो भाई तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, ये तरीका कोई नहीं बताएंगा आपको। बहुत से भाई क्या जैसे 2 मिनट के लिए भाई मैंने आपको 10 कबूतर का बता दिया, अभी 10 कबूतर का 2-2 गोली दे दो, काम खत्म। नहीं, अभी देने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब कबूतर उड़ान पूरी करके आता है तब दिया जाता है। जब कबूतर उड़ के आएगा ना भाई, जब दिया जाता है, और रेस्ट वाले दिन भी दिया जाता है, जैसे आप एक एक दिन का रेस्ट दे रहे हो, तो उस दिन भी आपको फिर एक गोली देना है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना भाई, तो काफ़ी भाई खिलाफ़ होंगे ये वीडियो के, यार ये भाई यूट्यूब पे नुस्खेबाजी क्यों शेयर कर रहा है, क्योंकि यार ये जो आम असल में मसला क्या है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये हर कोई शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये खुराक की बात होती है। खुराक भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखें। दोस्तों एक बार और फिर से एक भाई के पास में जा रहा है ये रेडीमेड खेल, ये जा रहा है यूपी में, और आपको भी कभी रेडीमेड खेल चाहिए कबूतर बाजी टूर्नामेंट में उड़ाना है, तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करें। ये देखो इस टाइप से खेलेंगे भैया, ये है, और माशाल्लाह ये देने से आप बाजी टूर्नामेंट बहुत ही आराम से आसानी से आप जीत सकते हो। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 15 घंटे कबूतर आप इससे उड़ा सकते हो। कभी आपको बाजी उड़ाना है या शौके तौर पर कबूतर उड़ाना है या टूर्नामेंट उड़ाना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। डिलीवरी इंडिया में आप जहाँ बोलेंगे दोस्तों, वहाँ मैं ये खेल पानी आपके पास ही भेज दूँगा। ये